नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो LIC की ऑफिशियली वेबसाइट है LIC India.in, इस पर लॉगिन करने के लिए एक अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो उस अकाउंट को आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। या फिर आप अपने मोबाइल में LIC इंडिया का जो ऑफिशियली ऐप है LIC डिजिटल, उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो उस पर भी लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो वो अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी LIC से संबंधित सारी जानकारी को अपनी देख पाएंगे, अपने इंश्योरेंस से संबंधित सारी जानकारी को यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप अपना बॉन्ड भी चेक कर पाएंगे, या फिर जो LIC की किस्त है उसको आप जमा कर सकते हैं, LIC का इंटरेस्ट वगैरह जमा कर सकते हैं, LIC से जो लोन लिया उसे भी आप जमा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप बिना अकाउंट क्रिएट करे यहाँ पर अपने LIC की किस्त को जमा कर सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर आपको LIC किस्त जमा करके दिखाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस पर आप लॉगिन करने के लिए अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे LIC इंडिया, इस तरीके से यहाँ पर LIC इंडिया सर्च कर लेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पर ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करके इसे लॉगिन करेंगे। इस तरीके से इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये न्यू टैब ओपन करने के लिए आपसे परमिशन पूछेगा, तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे। इसके बाद न्यू टैब ओपन होगा और दूसरा पेज आपके सामने ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर आप डिटेल को फिल करके इसे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट हैव एन अकाउंट, इस पे आप क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट करेंगे। इस पे आप क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, इस पे आप फिलअप करेंगे और अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिसी नंबर फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम है बिना विदाउट टैक्स, यानी कि कितने का प्रीमियम आपका है, इंस्टॉलमेंट जो जमा होती है वो कितने की है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे, वो कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर भी आप फिल कर सकते हैं, अगर आप इसे खाली रखना चाहते हैं तो भी इसे आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आई कन्फर्म पे टिक करके और इस तरीके से टिक कर देंगे और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये डिटेल रिकन्फर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पर आप डिटेल चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये अलर्ट दिखा देगा और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपको दोनों में एंटर कर देना है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आप 6 से 16 करेक्टर का बना सकते हैं, इसमें आप एक कैपिटल अक्षर, स्मॉल अक्षर और या एक यहाँ पर स्पेशल करेक्टर आपको रखना होगा और उसमें एक आपको न्यूमेरिक अक्षर भी रखना होगा, न्यूमेरिक वर्ड भी यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ये शो किया है, इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए और इस तरीके से आप अपना कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करता हूँ। पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस तरीके से यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पे आप क्लिक कर देंगे और लॉगिन वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप यूजर आईडी और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर तीनों में से किसी एक को फिल करके यहाँ पर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद तरीके से ये अलर्ट यहाँ पर पूछेगा और यहाँ पर एक सेंड वेरिफिकेशन लिंक यहाँ जो कि आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, ये दो ऑप्शन देगा, स्किप एंड प्रोसेस और सेंड वेरिफिकेशन लिंक। इसके बाद अगर आप सेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर एक लिंक पहुंचेगा जो कि आपको वेरिफिकेशन करना है, तो उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन अभी नहीं करना चाहते हो तो स्किप एंड प्रोसेस पर क्लिक करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आ जाएगा, इसे आप प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे और प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद इसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ये दिया है वेरिफिकेशन योर ईमेल लिंक, इस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक वेरिफिकेशन जो लिंक है वो आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा, इसे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और LIC से संबंधित जो भी वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से क्लिक करके उनको
देख सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।